उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद के बाद अब दिल्ली में तंदूरी रोटी में थूकने का मामला सामने आया है। मामला दिल्ली के ख्याला इलाके में चलने वाले चांद होटल का है। दरअसल पश्चिमी दिल्ली की डीसीपी उर्विजा गोयल को ट्वीट पर किसी ने एक वीडियो टैग किया और शिकायत करते हुए कहा कि वीडियो में रोटी बनाते हुए जो शख्स दिख रहा है वो रोटी बनाते समय इस पर थूक रहा है। पुलिस ने ट्विटर पर मिली शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जांच में पुलिस को पता चला कि ये वीडियो ख्याला इलाके का है। ख्याला में एक चांद होटल है, वहां का ये वीडियो है। बता दें कि पुलिस की टीम जब उस होटल पहुंची तब पता चला कि जो वीडियो में शख्स दिख रहे हैं वो दोनों इसी चांद होटल में काम करते हैं। एक की पहचान 40 साल के मोहम्मद इब्राहिम और दूसरे की पहचान 22 साल के साबी अनवर के तौर पर हुई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने खुद मामले की संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 मार्च को IPC की धारा 259, 270, 273 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस को जांच में पता चला कि चांद होटल का लाइसेंस नहीं था, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने एक्ट के तहत होटल का चालान भी किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में भी रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सोशल मीडिया में इन दिनों आरोपियों पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है।